राजधानी दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने बेकरी कारोबारी के ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। सारी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कृष्णानगर के रहने वाले सलील सहगल और राहुल मिलकर बेकरी का कारोबार करते हैं। कृष्णानगर में ही उनका ऑफिस है। बीती रात करीब 10:30 बजे दोनों ऑफिस में ही थे, तभी 3 बदमाश ऑफिस में दाखिल हुए और सलील और उसके पार्टनर को पिस्टल दिखाकर 50,000 रंगदारी मांगा। रंगदारी देने से मना करने पर बदमाशों ने ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। गनीमत रही कि गोली किसी को नहीं लगी। पीड़ितों ने बताया कि बदमाशों में शिवम, अंकुश और अंश शामिल है, जो इलाके के ही रहने वाले हैं। मैं और मेरा दोस्त राहुल जो यहाँ पे बैठे हुए थे, हम दोनों ऑफिस में, अचानक 3 लड़के आते हैं मेरे यहाँ अंदर। बोला, ए तू जानता है ये कौन है? मैं कहा बिल्कुल जानता हूँ भाई, मैं बिल्कुल जानता तू कौन है, तू साथ वाला पड़ोसी है हमारा। बोला, जितना सामान तेरे पास पड़ा हुआ है ना पैसे का, सब दे दे, तू बहुत कमा रहा आजकल। मैं कहा भाई किस बात का कौन है? सर धक्का मुक्की की, पैसा मेरा छीना, मैंने पैसा नहीं दिया उनको। बाहर आया, 3-4 लड़के थे उनके हाथ में, 2 लड़के यहाँ पे खड़े थे जो कि मेरे कैमरे में सब कुछ आ रहा है, पिस्टल भी थी उसके पास। बोला यही गोली मार दूंगा, जितने देगा देगा। मैं कहा मेरे भाई दुकान की सेल है, मैं नहीं करूँगा ये काम। बाहर आया सर, गेट तोड़ा पहले, रॉड थी उनके हाथों में, रॉडों सारी चीज़ें तोड़े। बोला बाहर निकलो, मेरा इसी का बैक साइड की 2 साइड ओपन मकान है ये। पीछे आया, पीछे गेट खोलने की पूरी कोशिश की कि मैं अंदर घुस जाऊँ, अंदर नहीं घुस पाया। इतने में 4 फायर किए, जो कि हमने आवाज़ सुनी चार फायर की और स्कूटी अपनी लेके चले गए। एक स्कूटी उनकी यहाँ पे छूट गई है। उस टाइम वो आते के साथ ही पहले तो गाली दी उसने, और आते के साथ ही कहने लगा पिस्टल दिखा के 50,000 रुपये दे अभी के अभी, और जितने पैसे सब निकाल दे। और भी फिर बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, कहते हुए बाहर निकल गया। और बाहर निकल के जाते ही उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसके साथ जो और 3-4 लड़के थे, उन्होंने भी गेट भी तोड़ा पीछे, और आगे भी पूरा शीशा जितने भी थे सारे डैमेज कर दिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को बदमाशों की स्कूटी बरामद हुई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है।